नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर। कोई भी अगर हरियाणा के अंदर वैकेंसी आती है तो आवेदन इतने भरे जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में युवा है जो परेशान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उनको जाना पड़ता है। तो जो SSC क्लर्क का एग्ज़ाम होने के बाद हरियाणा के अंदर जो हालात बने, चुनावी और राजनीतिक नुकसान होता देख माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो ऐसे अहम बयान उन्होंने दिए जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पहला बयान ये था कि भाई SSC की तर्ज पर हरियाणा के अंदर जो पात्रता परीक्षा होगी, जो उसको क्वालिफाई करेगा वो आगे फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकेगा। दूसरा जो बयान था वो था कि नौकरियों में हरियाणा के मूल युवाओं को, यानी कि जो रेजिडेंस ऑफ हरियाणा है, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार क्या काम करेगी उस पर बात करेंगे, और आपका पात्रता परीक्षा को लेकर क्या काम करेगी उसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में भी जो है आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स पर इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं, जॉब और जॉब से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SSC की तर्ज पर सरकारी नौकरी के लिए होगी पात्रता परीक्षा। CM नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकारी नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी के लिए SSC की तर्ज पर पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान दोबारा सत्ता में आने पर करेंगे। पात्रता परीक्षा पास करने वाले युवा ही नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। CM ने कहा कि क्लर्क भर्ती परीक्षा में सामने आई अव्यवस्थाओं को देखते हुए यह प्रावधान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी संकल्प हर व्यक्ति को रोजगार होगा। मुख्यमंत्री ने भविष्य में सरकारी नौकरियां प्रदान करने को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसका प्रारूप भाजपा के विधानसभा चुनाव के लिए पेश किए जाने वाले संकल्प पत्र में दिखेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि क्लर्क के 4847 जबकि 4858 थे पदों के लिए 15 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। 3 दिन चली परीक्षा में अनेक खामियां सरकार को देखने को मिली, इनका समाधान भाजपा अपने चुनावी संकल्प पत्र में भविष्य के लिए ला रही है। किसी भी नौकरी की लिखित परीक्षा से पहले पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान किया जाएगा, उसमें पास युवा ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, इससे अव्यवस्था नहीं होगी। पात्रता परीक्षा के लिए सरकारी नौकरियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। किन किन श्रेणियों के लिए पात्रता परीक्षा होगी इसका कानूनी तौर पर अध्ययन कराएंगे। आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए दूर दराज परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, आसपास के जिलों में भी भर्ती को परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। संकल्प पत्र में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रारूप होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी विचार किया जा रहा है, इससे नकल रुकेगी। ऑनलाइन परीक्षा लेने पर भी विचार, घर के नज़दीक मिलेगा परीक्षा केंद्र। तो दोस्तों, ये आई होप ये अब आपके लिए फाइनली गुड न्यूज़ हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आ रही है। अभी से आप चुनावी स्टंट कहिए या वाकई में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से क्लर्क का एग्जाम हुआ है, काफ़ी बड़ा राजनीतिक नुकसान हरियाणा सरकार को, BJP सरकार को, सत्ता पार्टी को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए। आपकी इस बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन YouTube चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी मच।